Hi guys, I am Tushar from Leo's Court Sports Worldwide, your daily fitness partner. Today I am going to explain the installation of new adjustable bench Firebird. Firebird is basically designed for home workouts, home use. Firebird काफ़ी user friendly है. इसका weight लगभग 25 kg तक इसका weight है. इसके incline, decline, flat तीन adjustable positions है. बैक सीट के लिए आपको मिल जाएंगे 7 एंगल एडजस्टमेंट एंड फ्रंट सीट के लिए आपको मिल जाएंगे 3 एंगल एडजस्टमेंट. इसमें ग्रैब हैंडल भी दिया है और पीछे के साइड में इसको व्हील्स भी दिए हैं. इसको आप आसानी से घर में कहाँ भी मूव कर सकते हो. अगेन बात आएगी इसकी स्ट्रेंथ की, तो हम 400 kg कैपेसिटी हम उस पर क्लेम कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंस्टॉलेशन. तो जैसे कि आप ये बेंच देख रहे हैं, ये हो गया बेंच का रियर पार्ट हो गया. ये वाला रियर पार्ट है, ये वाला बेंच का मिडिल पार्ट है और ये वाला बेंच का फ्रंट पार्ट है. तो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी हम तीन स्टेज में हम डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट स्टेज रहेगी कनेक्शन ऑफ रियर पार्ट टू मिडिल पार्ट. सेकेंड स्टेज रहेगी कनेक्शन ऑफ फ्रंट पार्ट टू दिस मिडिल पार्ट. एंड थर्ड स्टेज रहेगी अपना सीट असेंबली. तो अभी आप देख रहे होंगे कि फायरबर्ड एडजस्टेबल सुपर बेंच का इंस्टॉलेशन हम आज देखने वाले हैं. तो ये कुछ इस तरह से आपको बॉक्स पैकेजिंग मिलने वाला है फायरबर्ड सुपर बेंच का. तो आपको दिखाता हूँ, ये रहेगा, ये रियर सीट रहेगा ये, और ये रहेगा रियर सपोर्ट ऑफ द बेंच. इसको मैं यहाँ रहा हूँ. और ये रहेगी आपके बेंच की मेन बॉडी. या अगेन ये रियर सीट का ये सपोर्टेड पाइप है, ये सपोर्टिंग पाइप. ये फ्रंट सीट का पाइप है सपोर्टिंग वाला. ये रहेगा फ्रंट सीट और ये रहेगा फ्रंट वाला सपोर्ट. बेंच का ये फ्रंट सपोर्ट है. और ये वाले दो रहेंगे कैचर लॉक. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन इसका 3 स्टेज में होने वाला है, तो हम इसको 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं. तो पहला स्टेज रहने वाला है आपका, ये रियर सपोर्ट अटैच करना है ये मिडल वाले मेन पार्ट को. तो मैं इसको इधर रख देता हूँ. सेकंड स्टेज रहेगा ये अपना फ्रंट वाला सपोर्ट अटैच करना है ये मेन बॉडी को. तो ये वाला इधर रहेगा. ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया, और थर्ड स्टेज अपना रहेगा सीट असेंबली. ये सीट वाला पाइप इसको इधर इंस्टॉल करना है और ये फ्रंट वाला इसको इंस्टॉल करना है. और बाद में फिर बचता है तो बस ये वाला क्वेश्चन है, बस इसको हमको दिल में मैच करना है. तो मैं आपको अभी एक एक स्टेज आपको समझाता हूँ. हम शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेज से. तो फर्स्ट स्टेज में अपने को ये रियर वाला सपोर्ट ये मेन बॉडी को अटैच करना है. आप इधर देख सकते हैं कि इसको 3 होल्स दिए है और सेम 3 होल्स इधर भी है. तो अभी क्या करना है, ये 3 होल्स इसके 3 होल्स से अलाइन करना है. ये ब्लैक वाला पार्ट ये दोनों के बीच में बैठने वाला है. तो मैं पहले इसको लूज़ कर लेता हूँ. तो अभी इसको लूज़ कर दिया. को यहाँ से देखना होगा ये अलाइन. पहले एक बोल्ट फंसा देता हूँ.
इसको थोड़ा हल्का सा टाइट किया हाथ से। सेकंड वाला आसानी से मिल जाएगा आपको। ये हो गया सेकंड वाला सेम। अभी थर्ड वाला इसको मैं टेम्प्ररी हाथ से लॉक कर रहा हूँ। इसको फुल लॉक तुरंत नहीं करना है, इसको मैं ढीला ही रख दे रहा हूँ। तो अभी ये अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, तो रियर सपोर्ट हमने कनेक्ट कर दिया बेंच के मेन बॉडी को। तो अभी अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, ये रियर सपोर्ट हमने कनेक्ट कर दिया मेन बॉडी को। तो सेम अभी सेकंड स्टेज में भी वही करना है अपने को। ये फ्रंट सपोर्ट जो है, ये फ्रंट सपोर्ट अपने को कनेक्ट करना है अगेन ये मेन बॉडी को। ये कुछ इस तरह से ऐसे होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इधर दो ड्रिल है और सेम इधर भी दो ड्रिल है। तो अभी ये दो जो प्रोफाइल है, इन दो प्रोफाइल के बीच में अपने को ये वाला पार्ट फंसाना है। तो एक हाथ से मैं ये मेन बॉडी को पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से ये वाले पार्ट को पकड़ रहा हूँ। अब यहाँ से इसको आपका तो ड्रिल मैच करना है। सेम अभी सेकंड वाला ड्रिल मैच कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसको आपको हल्का उठाना पड़ेगा और एक हाथ से आपको इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो इसको अगेन मैं हाथ से थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। स्पैनर से अभी इसको टाइट करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमने देखा कि बेंच का फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया है और बेंच ने उसका शेप भी ले लिया है। ये थोड़ा सा लूज़ है, इसको अभी बाद में टाइट करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हमने रियर सपोर्ट कनेक्ट कर दिया है ये मेन बॉडी से और सेकंड स्टेज में ये फ्रंट सपोर्ट हमने कनेक्ट कर दिया है मेन बॉडी से। अभी अपना थर्ड स्टेज होने वाला है। थर्ड स्टेज रहेगा अपना सीट असेंबली। तो अभी हम थर्ड स्टेज चालू करने वाले हैं। थर्ड स्टेज में सीट असेंबली होने वाली है। तो पहले मैं ये फ्रंट वाला पाइप फ्रंट वाला जो सीट है उसके नीचे वाला पाइप मैं इसमें असेंबल करने वाला हूँ। इसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हो। बस ए वाला ड्रिल इस बोल्ट से थ्रू करना है। तो मैंने इसको इस बोल्ट को निकाला और इसके अंदर इसको फंसाया है। तो अभी मैंने ये फ्रंट वाला पाइप इस मेन बॉडी में मैंने इसको अलाइन कर दिया है। ये मेन बॉडी का ड्रिल और इस पाइप का ड्रिल मैंने एक साथ अलाइन कर दिया है। अभी ये बोल्ट थ्रू करने से पहले मैं ये वाला जो कनेक्टर प्रोफाइल है, जो कनेक्टर आप दिख रही है, तो मैं इसको इससे बोल्ट थ्रू कर देता हूँ। सेम पार्ट इधर भी रहेगा, सेम पार्ट। तो इस सेम पार्ट को अगेन अपने को इसे थ्रू करना है। मतलब बोल्ट को नट लगाने से पहले आपको ये चीज़ की खबरदारी लेनी है कि ये पार्ट और ये पार्ट बोल्ट के अंदर रहे। तो अभी हमने ये फ्रंट वाले सीट का पाइप मेन बॉडी में असेंबल करके लिया है। तो सेम अभी ये बैक वाला जो सीट का पाइप है, ये बैक वाला सीट का पाइप इसमें इंस्टॉल करने का है। तो ये इंस्टॉल करने के टाइम सेम ये वाला क्लिप इस बोल्ट से थ्रू करना है। तो पहले मैं ये वाला जो क्लिप है इसको मैं अलाइन कर देता हूँ ये ऑरेंज वाले ड्रिल के पार्ट के साथ। इसको थोड़ा हाथ से टाइट करके मैं इसको अलाइन कर दे रहा हूँ ताकि मुझको थोड़ा सा आसानी हो जाए बोल्ट डालने में। सेम ये वाले पार्ट को भी मैंने ये ऑरेंज वाले ड्रिल के साथ मैंने अलाइन कर दिया है। तो
तो ये बैक वाला सीट का पार्ट मैं अभी इसको ये बोल्ट डाल के इसको मैं असेंबल कर रहा हूँ ये मिडिल पार्ट के साथ। तो इसको बोल्ट लगा के मैं हल्का सा हाथ से टाइट कर देता हूँ। सो गाइस अभी हम देख रहे हैं कि हमने ये फ्रंट वाला सीट का पार्ट और ये बैक वाले सीट का पार्ट हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये पूरी तरह से अभी लूज़ है, हमने किसी भी नट बोल्ट को स्पैनर से टाइट नहीं किया है और अभी इसको करना भी नहीं है। तो अभी ये बैक वाला सीट इंस्टॉल करना है ये बैक वाले पाइप में। तो इसमें ऑलरेडी एक नट रहेगा तो पहले मैं इसका नट खोल के लेता हूँ। तो ये सेम ऊपर वाला भी एक नट है, इसको भी मैं खोल के लेता हूँ। हम इसका रैपिंग भी खोल देते हैं। रैपिंग कटर से ना खोलिए, कटर लग सकता है आपके कुशन को और कुशन फट सकता है, तो अच्छा रहेगा आप इसको हाथ से ही निकालो। तो ये वाला सीट, इस सीट को दो बोल्ट है और ये दो बोल्ट अपने को डालने हैं इस दो ड्रिल में। थोड़ा बहुत हाथ से आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसको मैं नट लगा के लेता हूँ। तो ये हो गया आपका बैक सीट। सेम अभी फ्रंट वाला सीट इंस्टॉल करना है, इसका भी नट निकल के लेता हूँ मैं। तो ये वाला सीट मैं अभी इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख सकते कि एक साइड में ये स्लोप है, तो ये वाला साइड पीछे आना चाहिए। देखो इसको थोड़ा हल्का सा इसको फोल्ड कर दिया, इसको भी फोल्ड कर दिया है, स्लोप दे दिया है ताकि जब ये इसका एंगल कम हो जाए तो एक दूसरे को टच ना हो जाए, इसलिए। तो ये हो गया आपका सुपर बेंच इंस्टॉल। अभी हमने सीट भी लगा दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि थ्री स्टेज में अपना फायरबर्ड सुपर बेंच का इंस्टॉलेशन होने वाला है, तो अपने थ्री स्टेज कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेज में हमने ये रियर वाला सपोर्ट मिडिल पार्ट से कनेक्ट कर दिया, सेकेंड वाले स्टेज में हमने ये फ्रंट वाला सपोर्ट हमने कनेक्ट कर दिया मिडिल वाले पार्ट से, और थर्ड स्टेज में हमने ये सीट असेंबली कर दिया। लेकिन हमने इसको अभी तक टाइट नहीं किया है, स्पैनर से टाइट नहीं किया है, तो अभी हम इसको एक एक को हम स्पैनर से टाइट कर देते हैं। तो पहले तो मैं ये बैक वाला सीट जो है इसको पहले मैं टाइट कर देता हूँ।
सेम अभी ये मैं फ्रंट वाला सीट टाइट कर दे रहा हूँ। ये फ्रंट वाला सीट और ये बैक वाला सीट हमने टाइट कर दिया है। अब सेकंड में अभी हम ये वाले पोर्शन को टाइट कर देते हैं जिसमें हमारा बैक वाला पाइप, तो पहले उस बोल्ट को मैं कस देता हूँ। ये आपको इसको दोनों साइड से स्पैनर लगाना पड़ेगा, एक साइड से ये। तो सेम मैं ये फ्रंट वाला पाइप जिसमें हमने अलाइन कर दिया है ये ऑरेंज वाले प्रोफाइल में, तो वो वाला बोल्ट मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। तो ये आपका फ्रंट वाला पाइप, इसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा लूज़ कर देता हूँ ताकि इसका मोमेंट फ्री हो जाए। देखो अभी इसका थोड़ा फ्री हो गया। सेम ये पीछे वाला भी चेक कर देता हूँ, पीछे वाला काफ़ी फ्री है। तो अभी अपने को ये वाला जो फ्रंट सपोर्ट है इसको टाइट करना है, इसके नट बोल्ट को टाइट करना है। तो अभी हम जा रहे हैं ये फ्रंट वाले सपोर्ट का नट बोल्ट टाइट करने। तो ये टाइट करने से पहले फॉर बेटर स्टेबिलिटी हमको इसको थोड़ा सा ये ऐसा दबा के टाइट करना है ताकि इसमें जो प्ले है ये प्ले मिनिमाइज हो जाए। इसको भी दोनों पाने से टाइट करना पड़ेगा। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमने ये फ्रंट वाले पार्ट के नट बोल्ट हमने टाइट कर लिए है। ये हो गया, पूरी तरह से टाइट हो गया। तो सेम अभी अपने को जो बैक सपोर्ट है उसके नट बोल्ट टाइट करने हैं। ये बैक वाला सपोर्ट जो है ये हमने ये तीन नट बोल्ट से हमने अलाइन किया था, लेकिन इसको हमने टाइट नहीं किया था, तो इसमें काफ़ी सारा प्ले है। तो इसको टाइट करते टाइम सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है कि इसको आपने को दबा के टाइट करना चाहिए ताकि ये इस तरह से अलाइन नहीं होना चाहिए। ये अगर इस तरह से बेंच टाइट हो गया तो आप वर्कआउट करते टाइम ये हो सकता है कि इसको ये थोड़ा सा पीछे चला जाए ऐसा। तो अभी हमने ये बेंच इंस्टॉल कर दिया है और सब टाइटिंग भी अच्छे से कर दिया है। तो अभी बारी आती है ये बैक सीट और ये फ्रंट सीट के एंगल एडजस्टमेंट की। तो ये बैक सीट का एंगल एडजस्टमेंट के लिए हमने ये वाली लीवर है जो यही एंगल एडजस्टमेंट करती है। तो इसको इस ड्रिल में लॉक करने के लिए, कैच करने के लिए ये अपने पास है ये वाला कैचर नॉब। तो ये वाला कैचर नॉब इस नट में बैठेगा जो इस लीवर में ऑलरेडी वेल्ड है। तो मैं अभी ये कैचर नॉब इसमें लगा रहा हूँ, ये कैचर नॉब लगा दिया। इसको थोड़ा हल्के से टाइट कर देता हूँ। तो ये कैचर नॉब मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अभी ये कैचर नॉब, ये कैचर नॉब अभी इस लीवर को रोकेगा और इसका ये बैक सीट का अपना एंगल एडजस्टमेंट फिक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखो ये कुछ इस तरह से इसका एंगल एडजस्टमेंट होगा। तो अभी ये इंक्लाइन पोजीशन में है फॉर हॉरिजॉन्टल। मैं इसको सेकंड वाले में लॉक करता हूँ। तो आप देखो, देख सकते हो कि अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको थोड़ा इंक्लाइन करना है तो मुझको ये इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको और इंक्लिनेशन के लिए मैं इसको और पीछे एडजस्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली ये फ्रंट सीट का भी एंगल एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे। तो ये फ्रंट सीट के एंगल एडजस्टमेंट के लिए ये वाला लीवर है। तो ये वाला लीवर लॉक करने के लिए
ये आगे नहीं, आपने को ये सेकंड वाला कैचर लॉक लगाना पड़ेगा। तो ये कैचर लॉक अभी हम लगा रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये फ्रंट वाला सीट एंगल एडजस्टमेंट के लिए हमने इधर कैचर लॉक लगा दिया है। तो इसको ये तीन होल्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला होल्स रहेगा फॉर हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड वाला आपको स्लाइटली थोड़ा सा आपको इंक्लिनेशन देगा, और ये थर्ड वाला आपको और ज़्यादा इंक्लिनेशन दे देगा। तो गाइज इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक माई वेबसाइट leoscott.in. And thank you for showing interest and trusting our brand.